एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट मलाईदार पास्ता की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत तरह के पास्ता बनते हैं नमकीन मसालेदार सब्जियों के साथ, और व्हाइट सॉस, पिंक सॉस, येलो सॉस, बहुत तरह के पास्ता बनते हैं। लेकिन आप इसे इस तरह से स्वीट पास्ता बना करके एक बार जरूर देखिएगा। घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीजों की जरूरत, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके सबसे पहले हम एक पतीले में पानी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 गिलास पानी चढ़ा दिया है गैस ऑन करके, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम पानी में बॉयल आने का इंतजार करेंगे। तो इसे हमने कवर कर दिया है। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया था, देख सकते हैं। अब इसमें हम 2 कप मैक्रोनी पास्ता मिलाएंगे और उसे हम मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी पास्ता अवेलेबल है आप उससे ये बना सकते हैं। सारे पास्ते को हमने मिक्स कर दिया है बॉल पानी में, और अब हम इसे स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम कवर कर देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो कवर करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके थे, और हमें पास्ता को 50% ही कुक करना है। देख सकते हैं कि अब हमारे जो पास्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम छलनी की मदद से छान लेंगे। सारे पास्ते को हम इसी तरह से छान लेंगे, नहीं फिर ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो एक तरफ हमारा पास्ता ठंडा होता है, तब तक हम क्या करेंगे, तो एक पैन में हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, और अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। बिना गैस ऑन किए हुए ही इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे दूध में, और साथ ही साथ इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी लिया है। आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और चीनी को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं दूध में। अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि जो हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया है उससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर दूध में मिलाएं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लो गैस पर हमें इसे 5 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए छोड़ दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं, और हमें इस तरह से चलाते हुए दूध हमारा परफेक्ट गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा सा इसे और हमें गाढ़ा करना है, और देख सकते हैं कि अब जो हमारा दूध है वो परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये जमने लगेंगे। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि इसमें हम मैक्रोनी पास्ता डाल देंगे, जो कि हमने बॉईल किया हुआ है, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे पास्ते को हमने दूध में डाल दिया है। अभी से हम इसी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और इसे थोड़े से हम बॉईल आने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अच्छे से हमने पास्ते को मिला लिया है दूध में, और अब हम इसमें कुछ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास जो भी है, वनीला एसेंस या फिर रोज वाटर, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ परफेक्ट हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम मिलाएंगे घर की फ्रेश मलाई, जो दूध में अक्सर छाली पड़ जाते हैं ना, उसे हम मलाई कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 दिन की मलाई यूज किया है, और ये बिल्कुल फ्रेश मलाई होने चाहिए, और इसे हम अच्छे से स्पैचुला से सारे पास्ते में मिक्स कर देंगे। तो मलाई को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि मलाई डालते ही जो पास्ता का कलर है और जो टेक्सचर है कितने क्रीमी क्रीमी बने हैं। अब इसके ऊपर से थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और इसे भी हम मिक्स करते जाएंगे। तो अब हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गैस को ऑफ कर देंगे, और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही गाढ़ा होने लगते हैं। तो इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे बॉल में निकाल लिया है, और कितने क्रीमी और मजेदार हमारे पास्ता बन करके तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर, और अगर मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जब भी मैं कोई न्यू वीडियो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।